हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल वीजी इफेक्ट पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट में मास्किंग के बारे में कि हम मास्किंग कैसे करते हैं आफ्टर इफेक्ट में। ये देखिए मैंने एक न्यू कंपोजिशन ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पे हम लिखते हैं मास्किंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपका साइज यही रहेगा और मैं अभी सॉन्ग की मास्किंग करने जा रहा हूँ एक की, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। ये ड्यूरेशन मैंने रख लिया पाँच मिनट दस सेकंड। इसको हमने ओके कर दिया। ये देखिए, ये हम जूम कर लेते हैं। अब मैं सॉन्ग उठाने जा रहा हूँ। एक सॉन्ग हमारी, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के लिए कृष्ण जी का भजन ले लेता हूँ। एक ये फाइल मैंने इम्पोर्ट कर लिया, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक मैं फाइल और ले लेता हूँ अपने जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। डीवीडी वीडियो रिकॉर्डिंग, और इसमें मैं ले लेता हूँ आपका अंजू वीडियो के। ये ले लिया मैंने और इसको हम सीधा सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे अब ये आपका सॉन्ग है 3 मिनट का, तो ये यहाँ तक हमारा आ गया इस वक्त आपका। यहाँ तक आप चाहें तो एप्पल के प्रेस करके इसकी ड्यूरेशन को मैं छोटा कर देता हूँ। और याद रखना एप्पल के ये आप 3 मिनट 10 सेकंड है, 3 मिनट का भी कर सकते हैं। ये आपका 3 मिनट इसकी ड्यूरेशन आ गई है, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, ये देखिए 3 मिनट 4 सेकंड है इस सॉन्ग की ड्यूरेशन। अगर आपको किसी चीज़ की ऑडियो बंद करनी है तो आप यहाँ से ऑडियो बंद कर सकते हैं, यहाँ से पॉज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मेरे को इसका बैकग्राउंड हटाना है, ये वाला रेड वाला, और इसके पीछे कृष्ण भगवान जी को लाना है। तो करेंगे क्या, इस पर डबल क्लिक करेंगे आप, ये आपकी विंडोज आ गई। और जूम कर लेता हूँ मैं, और ये वाला जो पेन टूल है हमारा जिसकी शॉर्ट कमांड है जी, इस पर क्लिक करेंगे। और ये देखिए, अब मैं यहाँ से जूम करके इसको थोड़ा सा पेन टूल के थ्रू यहाँ से यहाँ, जूम आउट कर लिया मैंने, फिर जी प्रेस किया है। और यहाँ से करते करते मैंने एक यहाँ पे किया लाइन को, और यहाँ पे ये ड्रैग हो गया है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका कट हो गया है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है, हमने इसमें फैदर देना है। तो यहाँ पे आपके पास में ये मास्किंग जब आपकी हो गई तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फैदर का, ये वाला मास्किंग में एफ प्रेस करके भी आप फैदर ले सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ मास्क फीदर है यहाँ पे, इसमें फ़ायदा दे देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इस हम चले जाते हैं वापस कंपोजिशन लेयर पे। ये देखिए, ये इतना पार्ट इस वजह से यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसमें ये प्रॉपर आपका ग्रीन क्रोमा नहीं है, है ना। एप्पल ए करेंगे, यू करेंगे हम इसको, है ना। और इसके पीछे अब हम क्या करेंगे, ये कृष्ण भगवान जी का बैकग्राउंड यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ये अब इसको हम यहाँ से लाइन ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए। इसमें करना क्या है आपको, अगर अब ये देखिए, ये आपका पार्ट छोटा सा पार्ट है, ये इस टाइप से आपका छोटा सा पार्ट रह गया यहाँ पे। इसको क्या करना है आपको, इसको जो ना राइट क्लिक करना है, इंटर फुटेज मैन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे इंटर फुटेज जब मैन पे क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पे लूप्स होते हैं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में आपको यहाँ तक ले जाना है ताकि बैकग्राउंड आपका इस्टेब्लिश रहे। तो यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ 20 कर देता हूँ इसके, यानी कि 20 बार ये ओवरलैप होता चला जाएगा, रिपीट हो जाएगा, यानी कि ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से जो जगह आपकी रह गई, ये देखिए, मैं आपसे कह रहा था ये हिलेगा, तो यहाँ से आप अपने क्रोमा को, जो आपकी मास्किंग जो है उसको इस टाइप से आप ठीक कर लीजिए,
है ना, ये देखिए। और कृष्ण भगवान की जो फोटो जो हाइड हो रही है, इसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं ऊपर की साइड में इस टाइप से। अब यहाँ से ये आप मास्क ठीक कर दीजिए इनका थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए जहाँ जहाँ इनका हैंड हिल रहा है, ये वाला कैमरा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये फोटो इनके अंदर चली जाएगी। अब ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इफेक्ट लेना है और इसमें भगवान श्री कृष्ण के इसमें कर्व दे देना है थोड़ा सा, यानी कि ब्राइटनेस कर देनी है इसमें। और इनके ये जो फुटेज है इसके अंदर भी हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट कर देंगे ये वाला। थोड़ा सा ब्लू ले लेते हैं हम इनके फेस पे, ठीक है। ये कृष्ण भगवान का यहाँ से आपकी मास्किंग हो गई है ये पूरी की पूरी यहाँ तक। अब आपने करना क्या है, जब इसकी आउटपुट आपने देनी है तो यहाँ से आप करेंगे, ये देखिए ये इनका यहाँ से नीचे जा रहा है, बोलो कृष्ण का नहीं आ रहा। एक फ्रेम आपका, आप चाहें तो इस फ्रेम ठीक है, बोलो कृष्ण का नहीं आला। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी ऑडियो जो है इसको बंद कर देना है, ये वाली ऑडियो, यानी कि ये बैकग्राउंड जो हमारा है ये वाला, इसकी ऑडियो को हमने बंद कर देना है ये वाली। और इसको हम फाइनल आउटपुट दे देते हैं, ये देखिए मास्किंग प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे हमने क्विक टाइम ले लिया, ओके कर दिया इसको मास्किंग प्रोजेक्ट। और ये क्या है आपका, इंस्टाग्राम में फ़िलहाल हम इसको डाल देते हैं, ये बाहर ही डाल देते हैं। आज 24/11 कहाना भजन, इसको हम सेव कर देंगे और इसको रेंडर कर देंगे। तो दोस्तों अब ये रेंडर होना प्रोसेस चालू हो गया इस टाइप से, ये देखिए। अगर इसमें ग्रीन क्रोमा होता तो ये इजीली आपका फ्रेम यहाँ से हट जाता, लेकिन क्या है इसमें इजीली क्रोमा नहीं है, तो इस वजह से ये फ्रेम मतलब कि यहाँ से हट नहीं सकता है, क्रोमा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने मास्किंग कर दी है उसकी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह हम वीडियो की मास्किंग करते हैं किसी भी फुटेज वगैरह की, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। अगर कोई नई चीज़ आती है तो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।